देखते हैं फाइव नंबर, फाइव नंबर का हम लोग देखो, इसके लिए भी हम लोग वही साइन फॉर्मूला पहले लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। साइन फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि ए बाई में साइन ए इक्वल टू में बी बाई में साइन बी इक्वल टू में सी बाई में साइन सी होता है, इक्वल टू हम लोग के सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा आपका के साइन ए, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका के साइन बी, और सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे के साइन सी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका एलएचएस लेकर। एलएचएस में आपके पास दिया हुआ है कि ए माइनस बी इंटू में कॉस सी बाई टू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी, ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा के साइन ए माइनस का बी का वैल्यू के साइन बी, और कॉस सी के जगह पर हम लोग ऐसे जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, ठीक है, ए बी सी का सम 180 होगा। तो यहां से अगर हम लोग सी की जगह पर बात करें तो ये 180 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो 180 माइनस ए प्लस बी और बाई में 2, 2 है तो 2 रहेगा। अब आगे देखते हैं, यहां से के बाहर निकाल लेते हैं, आ जाएगा साइन ए माइनस का साइन बी, और यहाँ पे कॉस अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 और माइनस का ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यानी कि साइन सी माइनस साइन डी का हो जाएगा इसका 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू और इंटू में साइन ए माइनस बी बाई में 2। अच्छा ये कॉस 90 माइनस ये साइन हो जाएगा साइन ए प्लस बी बाई टू। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, के को ऐसे रन लेते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइन ए प्लस बी बाई टू और इंटू में ये साइन ए माइनस बी बाई टू। अब इसको तो ऐसे रखना है ना जी, प्रूफ जो करना है उसके लिए। यहाँ देखिए ये 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला हो रहा है तो किसका हो जाएगा साइन 2 ए का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, और इंटू में यहाँ पे है साइन ए माइनस बी बाई टू। हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े हुए हैं कि साइन 2a इक्वल टू में होता है, या फिर साइन a इक्वल टू में होता है 2 साइन a बाई टू और कॉस a बाई टू। तो इसी के अकॉर्डिंग ये इसमें चेंज हो गया। अब देखिए हम लोग a प्लस बी के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं c 180 माइनस c 180 और माइनस का c, इसके इक्वल होगा ना जी, और इंटू में यहाँ पे साइन a माइनस बी बाई में 2। चलिए तो ये साइन 180 माइनस सी साइन सी हो जाएगा, तो के साइन सी फिर यहाँ पे इंटू में साइन ए माइनस बी बाई में 2, तो के साइन सी जो है आपके किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ऊपर सी साइन ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ये आपका आर एच एस आ गया। हम लोग यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि सी जो है इक्वल है ऊपर के साइन सी के, इसलिए ये हमारा हो गया यहाँ पे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर